नमस्कार स्टूडेंट्स, हम ने इससे पहले रे ऑप्टिक्स का सॉल्यूशन किया था जेई मेन के प्रीवियस इयर्स के 1920 के क्वेश्चंस का। आज हम वेव ऑप्टिक्स और उसके साथ ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन दोनों पार्ट्स का हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस वेव ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज विच इंटरफेरेंस। After interference, the ratio of maximum intensity to the minimum intensity is 16. The intensity of the waves are. देखिए जो interfering में आ रही हैं, interfere हो रही हैं जो waves, उनकी intensity का ratio पूछा है। आपको पता है I maximum by I minimum क्या होता है? I maximum by I minimum equal to होता है A1 plus A2 by 2, sorry by A1 minus A2 का whole square। और ये आपको कितना दिया है, उसने रेशियो 16 दिया है, मतलब 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास A1 प्लस A2 इक्वल टू क्या हो गया, 4A1 माइनस 4A2। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 5A2 इक्वल टू 3A1। तो A1 बाय A2 आपके पास क्या आ जाएगा, 5/3। तो द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज I1 बाय I2 इज इक्वल टू A1 by A2 का होल स्क्वायर। A1 by A2 is 5/3, then इसका स्क्वायर क्या हो गया, 25/9, आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर प्लेस्ड 0.320 मिलीमीटर अपार्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स। The total number of bright fringes that are observed in the angular range -30° to +30° is। देखिए -30 to +30। सबसे पहली बात तो ये आपके पास डबल स्लिट है, ये इसकी स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट है जिसके लिए एंगल जीरो होता है, और यहां पर आपके पास क्या बनेगा, मैक्सिमा। इसके अलावा इधर देखेंगे अगर अपन 30° तक ये पॉजिटिव हो गया, और इस डायरेक्शन में देखेंगे ये 30° तक क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर फेज डिफरेंस को अपन क्या, पाथ डिफरेंस को क्या लेते हैं, हमें मैक्सिमा बताना है। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है। तो यहाँ से आप पाथ डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, अगर ये आपके पास एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आपके पास डी है, राइट। तो उस केस में अपन किसी भी पॉइंट के लिए इसका पाथ डिफरेंस क्या लेते हैं, पाथ डिफरेंस आपने लिया है क्या, डेल एक्स इक्वल टू एस टू पी माइनस एस वन पी लेते हैं। ओके, जब भी आप किसी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा चेक करते हैं, उस केस में आपके पास अगर ये एंगल थीटा है, राइट, तो यहां से आप पाथ इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास डी है, तो ये आपके पास इसका पाथ डिफरेंस होगा, और वो पाथ डिफरेंस क्या है, डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, एन लैम्डा, राइट। तो आप एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी बाय लैम्डा इनटू साइन थीटा। डी की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, उसने 0.320 दे रखी है, 0.320 इंटू 10^-3 इंटू 1/2 बाय आपके पास क्या था, 500 नैनोमीटर -9। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उस केस में ये आपके पास कितना रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट आ जाएगा 320। अब देखिए स्क्रीन के एक साइड थीटा पॉजिटिव के लिए 320, नेगेटिव के लिए फिर 320, और एक इसका सेंट्रल पॉइंट आ गया, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 320 प्लस 1 प्लस 320, टोटल कितना हो गया, 641 आ जाएंगे, आंसर क्या होगा, 3rd हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द रेजोल्यूशन दैट कैन बी अचीव्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू रिजॉल्व ए विड्थ। यहाँ थोड़ा करेक्शन है, देखिए ये 7.5 × 10⁻²⁻²⁻¹² मीटर, ये सही कर लेना, ये 7.5 × 10⁻²⁻²⁻¹² मीटर है। ओके, इसके रेजोल्यूशन के लिए बात कर रहा है कि उसकी मिनिमम एनर्जी क्या होगी। देखिए ये पार्टिकल की बात कर रहा है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी होता है, या आप लिख सकते हैं एच बाय √2 ME। तो आपके पास E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इक्वल टू h² / 2 m λ² इतने जूल आ जाएगी। आंसर आपको सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हैं, तो आप लिख सकते हैं E इक्वल टू h² / 2 m E λ² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब आपने सब वैल्यू पुट करनी है, एच आपको पता है 6.6 × 10⁻³⁴² ओवर 2 ME, 2 मास क्या है 9.1 × 10⁻³⁻¹, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹, लैम्डा स्क्वायर कितना है आपके पास 7.5 × 10⁻²⁻¹². आप इसे सॉल्व कर लेना, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, द आई कैन बी रिगार्डेड एज ए सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस इज इक्वल टू दैट ऑफ ए कॉर्निया 7.8 mm, दिस सरफेस सेपरेट टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मतलब एयर का एंड 1.34 उसका आई के मटेरियल का, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट विच ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल कम टू फोकस। देखिए एक्चुअली में आई का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और किसी भी कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई कर्व्ड सरफेस है जिसके दोनों ओर का मीडियम क्या है आपके पास, इधर μ1 है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और जब इधर से कोई इन्फाइनाइट से रे आ रही है और वो कह रहा है वो कहां पर जाकर के फोकस होगी, तो ये इसका कहने का मतलब इस कर्व्ड सरफेस की फोकल लेंथ डिफाइन करनी है। इस केस में फॉर्मूला क्या है आपके पास, V इक्वल टू ये V है, यहां पर ये फोकस हो रही है वो V है, U इसका इन्फाइनाइट है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि किस मीडियम में हो जाकर कन्वर्ज हो रही है μ2 / V − μ1 / U = μ2 − μ1 / R। आपको V की वैल्यू पूछी है 1.34 ओवर V माइनस 1/∞ इक्वल टू 1.34 माइनस 1/, रेडियस क्या है 7.8, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहां से आपके पास रिजल्ट आ गया V इक्वल टू 7.8 × 1.34 ओवर कितना था 0.34। ओके, अब आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, ये कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से, ये 34 × 1.34 है, अप्रॉक्सीमेट इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ये किस में है मिलीमीटर में है, ये मिलीमीटर में था तो इसका 30 के समथिंग आंसर आ जाएगा, जिससे 3.1 cm हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप खुद निकाल लेना, ओके, इसका कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगा 3.1 cm, राइट, ये लगभग 30 मिलीमीटर के आसपास आएगा, तो आपको पता है 10 mm = 1 cm होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शो इन फिगर, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन डी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा सच दैट द फर्स्ट मिनिमा अकर्स डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ स्लिट। देखिए स्लिट के डायरेक्टली यहां पर मैक्सिमा बनना चाहिए, मिनिमा सॉरी,
तो यहां पर मिनिमा बनेगा, उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, देखिए ये आपके पास d है, ये 2d है, ये क्या हो जाएगा 2d का स्क्वायर प्लस d के स्क्वायर का रूट, जिसे आप लिख सकते हैं रूट 5d। तो आपके पास पाथ डिफरेंस क्या होगा, यहां से पाथ डिफरेंस आप लिख सकते हैं रूट 5d माइनस 2d, ये आपके पास इसका पाथ डिफरेंस आ जाएगा रूट 5 माइनस 2d। बट फॉर फर्स्ट मिनिमा पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा बाय 2। तो आपके पास उसने पूछा है कि d की वैल्यू क्या हो, d की वैल्यू पूछी है, तो d इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाय 2 इंटू 5 माइनस रूट 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट एट द सेंटर ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज। आपको पता है इंटरफेरेंस में सेंट्रल मैक्सिमा, सॉरी किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमा जो भी सेंट्रल की है इंटू कॉस स्क्वेयर 5/2 होता है, कॉस स्क्वेयर 5/2। अब देखिए फाई क्या है, पाथ डिफरेंस है, कैसे निकाल लेंगे, फाई इक्वल टू के इंटू डेल एक्स, के क्या है 2π/λ एंड डेल एक्स इज इक्वल टू λ/8। तो आपके पास ये कितना आया, π/4, मतलब 45 डिग्री। जब यहां पुट करेंगे तो 22.5 डिग्री। इसकी वैल्यू अमूमन हमें नहीं पता होती, लेकिन हमें यह पता है कि 2 cos² θ इज इक्वल टू 1 + cos² θ होता। तो मैं इसका यूज करूंगा तो मेरे पास I इक्वल टू क्या हो गया, I मैक्सिमम इंटू 1 + cos 5/2 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, I मैक्सिमम बाय 2 इंटू 1 + 1/√2 आ जाएगा। ओके, आपसे पूछा क्या है, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी का सेंटर पर इंटेंसिटी के साथ रेशियो पूछा है, तो आप I बाय I मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + 0.707। 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 0.707। तो आपके पास 1.7 आ गया, तो क्या रिजल्ट आएगा, 1.707/2 इक्वल टू 0.80 के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट, सॉरी, 1.85 हो जाएगा। क्या आया, 1.707/2 0.853, इसका आंसर हो जाएगा 0.85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन देखिए, फिर से एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसने दिया है कि ग्रीन लाइट के लिए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेपरेशन ऑफ 19.44 माइक्रोमीटर एंड द विड्थ 4.05 माइक्रोमीटर, द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमम। देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर क्या होता है, ये आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, उसके बाद आपके पास ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा था और ये इसका सेकंड मिनिमा था। ये डिस्टेंस आप कह सकते हैं क्या होती है, ये डिस्टेंस इसकी जस्ट डबल होती है, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या रहती है इस केस में, अगर मैं इनकी पोजीशंस की बात करूं, मिनिमा कहां बनता है, एन लैम्डा पर बनता है। मिनिमा के लिए आपके पास ये डबल स्लिट है, सॉरी सिंगल स्लिट है। इस केस में किसी भी पॉइंट पर आप अगर मिनिमा देखते हैं, ये आपके पास एंगल थीटा है, तो यहां से पाथ डिफरेंस, इसकी विड्थ मान लो बी है, तो पाथ डिफरेंस बी साइन थीटा होगा,
और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है। आपके पास यहाँ से थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट एन लैम्डा बाय बी होती है एंथ मिनिमा के लिए। अगर ये डिस्टेंस आपके पास डी हो राइट, उस केस में मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस वाई हो तो उस केस में आप इसकी लीनियर पोजीशन भी पता कर सकते हैं। लीनियर पोजीशन क्या हो जाएगी, वाई बाय डी इक्वल टू एन लैम्डा बाय बी। तो y इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, n लैम्डा d बाय बी। तो ये आपके पास लैम्डा d बाय बी था, ये आपके पास 2 लैम्डा d बाय बी होगा, जिससे इनकी विड्थ जो है वो विड्थ क्या रह जाएगी, लैम्डा d बाय बी। तो आपके पास उसने फर्स्ट मिनिमा और सेकेंड मिनिमा के बीच की विड्थ की बात की है। ये विड्थ क्या है, कहाँ से आई है, डिफ्रैक्शन से। ये डिफ्रैक्शन से कितनी आएगी, लैम्डा डी बाय बी आ जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस से। वहां पर वो कह रहा है कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी, तो आप फ्रिंज विड्थ के लिए लिख सकते हैं उस सेम डिस्टेंस के लिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इनटू एक फ्रिंज की विड्थ। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, यहां से n इक्वल टू डी बाय बी। डी आपके पास कितना है, 19.44 है, और एक की विड्थ उसने कितनी दी है, 4.05। तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका रिजल्ट होगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ क्वेश्चन देखिए। एट्थ क्वेश्चन फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है आपसे, मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला है आई मैक्सिमा बाय आई मिनिमा इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू बाय ए वन माइनस ए टू। तो 1+3 और 1-3 आपके पास क्या आ गया, 4/2, मतलब 2 का स्क्वायर 4:1 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिगर शोज ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज पुट इन द फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, द सेंट्रल मैक्सिमा गेट्स शिफ्टेड बाय ए डिस्टेंस इक्वल टू एन फ्रिंजेस विड्थ इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज लैम्डा देन टी विल बी। देखिए, इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जब भी आप इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ोगे, तीन तरह से पाथ डिफरेंस होते हैं टोटल। ये मान लीजिए आपके पास कोई डबल स्लिट था, इनके दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस आपको S1 S2 गिवन, S इज ए पॉइंट सोर्स एंड ये एक स्क्रीन है विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी। मान लीजिए आप इसके स्क्रीन के किसी पॉइंट ओ की बात कर रहे हैं, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। सबसे पहले स्लिट से पहले क्या पाथ डिफरेंस होगा, विच इज नॉन एज इनिशियल पाथ डिफरेंस IPD, क्या होगा, S S2 - S S1 राइट। सेकेंड ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन द सिंगल स्लिट, बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन। तो यहां पर आपके पास ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा, मान लो आप सेंट्रल पॉइंट से वाई हाइट पर किसी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, ये वाई डी बाय डी हो जाएगा राइट। क्या होगा, वाई डी बाय डी। ये कौन सा पाथ डिफरेंस हो गया, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। अब आप किसी एक रे के पाथ में कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल रख देते हैं, उस केस में उसका पाथ चेंज हो जाएगा। ऑप्टिकल पाथ, एक नई टर्म आती है यहां पर, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई रे या लाइट किसी एक्स मीडियम के अंदर से जा रही है और इस लाइट को जाने में टी टाइम लगता है, टी इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाय वी। वी क्या है, इसकी स्पीड।
अब उतने ही टाइम में लाइट वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो एक्स डैश इक्वल टू सी इंटू टी। आप लिख सकते हैं सी इंटू एक्स बाय वी। सी बाय वी क्या होता है, उस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एक्स। कहने का मतलब अगर यहां पर लाइट वैक्यूम में जा रही होती तो कंपैरेटिवली इस मीडियम के वो कितनी डिस्टेंस ज्यादा चलती, म्यू माइनस वन इंटू एक्स। ये म्यू एक्स क्या होगा, इसका ऑप्टिकल पाथ होगा, और म्यू माइनस वन एक्स क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा। तो यहां पर अगर आपके पास इनके पाथ में कोई मीडियम रख दिया जाए, मान लीजिए ये कोई टी टू है और मीडियम म्यू टू है, यहां कोई टी वन है और मीडियम इसका म्यू वन है, उस केस में आपके पास ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा। आप लिख सकते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू, इसके कारण कितना हुआ, टी टू म्यू टू माइनस वन, और माइनस टी वन इंटू म्यू वन माइनस वन। टोटल पाथ डिफरेंस क्या होगा, इन सभी के सम के इक्वल होगा। आईपीडी, ओपीडी और जीपीडी, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस और इनिशियल पाथ डिफरेंस। अगर आपके पास डेल एक्स जीरो होता है तो वो उस इंटरफेरेंस पैटर्न का सेंट्रल पॉइंट है। ये स्क्रीन का सेंटर हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन उस जो पैटर्न बनेगा उसका डेफिनेटली ये क्या है, सेंट्रल पॉइंट है। ओके, वो उसके स्क्रीन के सेंटर पर भी हो सकता है, सेंटर से अब भी हो सकता है, सेंटर से बिलो भी हो सकता है। इफ ए डेल एक्स इक्वल टू जीरो तो क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, डेल एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, इट मींस एंथ मैक्सिमा बनेगा। ओके, ये क्या होगा, एंथ मैक्सिमा। और अगर आपके पास डेल एक्स इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू होगा तो उस केस में एंथ मिनिमा हो। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के, सर जब मैक्सिमा लेते हैं तो एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करते हैं, मिनिमा लेते हैं तो एन की वैल्यू वन से स्टार्ट करते हैं, क्यों? बिकॉज जब आप जीरो ले रहे हैं इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मैक्सिमा की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू वन ही रहेगी। ओके, अब आपके इस क्वेश्चन में उसने ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस और उसने ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस की बात की है, मैं वापस क्वेश्चन पर आऊं, तो उसने कहा है कि किसी एक स्लिट के आगे कोई स्लैब रख दी तो उस केस में उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए अगर वो एन फ्रिंजेस जितनी डिस्टेंस पर शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए, मान लीजिए इस स्लिट के आगे आपने कोई मीडियम रख दिया, तो उस केस में इसके स्क्रीन के किसी पॉइंट पर हम देखें जो उसके मिड पॉइंट से वाई हाइट पर है, तो वहां के लिए आपके पास ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या है, ऑप्टिकल तो है ही नहीं, जीरो है, बिकॉज सोर्स को उसने सेंटर में रखा है, जितना एस एस टू है उतना ही एस एस वन है। तो इस केस में आपके पास ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या था, एस टू पी माइनस एस वन पी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वाई डी बाय डी। क्लियर। अब दूसरा देखिए, इसके कारण ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नीचे वाले पर कुछ नहीं रखा तो जीरो, माइनस ऊपर वाले के लिए क्या है, इसके थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, तो आप क्या लिख सकते हैं, टी म्यू माइनस वन। तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस प्लस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, तो क्या आ गया, वाई डी बाय डी माइनस टी म्यू माइनस वन, और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये क्या होना चाहिए, जीरो। तो कितना शिफ्ट हो जाएगा, वाई इक्वल टू टी डी बाय डी इंटू म्यू माइनस वन। अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इसके अंदर एन फ्रिंजेस आ रही है, एक फ्रिंज क्या होती है आपके पास, बीटा, बीटा क्या होगी आपके पास, लेमडा डी बाय डी इक्वल टू टी डी बाय डी म्यू माइनस वन। ओके, तो आपके पास लेम टी की वैल्यू पूछी है, डी बाय डी से डी बाय डी कैंसिल, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, एन लेमडा बाय म्यू माइनस वन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन पर आइए, देखिए
आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हैं इसके? देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। t इक्वल टू एन लैमडा बाई म्यू माइनस वन है, हर ऑप्शन के अंदर कैपिटल D का यूज किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या था? बोनस था। ओके, इसका आंसर क्या आना चाहिए था? एन लैम्डा बाय म्यू माइनस वन। ओके, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप इज 250 सेंटीमीटर फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप इज क्लोज टू। देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला है? देखिए, थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी। डी क्या है? डायमीटर। वैल्यू पुट कर लीजिए, 1.22 इंटू 600 नैनोमीटर 10^-6 ओवर आपके पास क्या है, 250 इंटू 10^-2। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका 3 × 10^-7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आ गया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है यहाँ। देखिए, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ स्लिट्स विड्थ इज 4:1। देखिए, जो इंटेंसिटी होगी यहाँ से आने वाली लाइट की, राइट, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो लाइट यहाँ से आएगी स्लिट के अंदर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी विड्थ के। तो इसका मतलब I1/I2 क्या हो जाएगा आपके पास? W1/W2। और इनकी विड्थ कितनी दी है? 4:1। तो उस केस में आपके पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? A1/A2 इक्वल टू 2:1। आपसे पूछा क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछा है। आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम क्या हो गया? A1+A2/A1-A2 का होल वही फॉर्मूला, 2+1 3 और 2-1 1, तो 3^2/1 मतलब 9:1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 12th क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज 1.25। ओके, इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स टू बी सी एट डिस्टिंक्ट विल बी। ओके, देखिए, किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए आपने पढ़ा था डी इक्वल टू क्या पढ़ा है? डायरेक्ट फॉर्मूला है 1.22 लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा। ओके, यहां पर म्यू साइन थीटा क्या हो जाएगा? उसकी न्यूमेरिकल अपर्चर हो जाएगी। तो आपके पास वैल्यू क्या है? 1.22 इंटू 5 × 10^-7 बाय 2 × 1.25। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट कैंसिल हो जाएगा, ये लगभग कितना आ गया? 2.5 × 10^-7 मीटर। तो ये 0.25 माइक्रोमीटर के आसपास आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट क्या होगा इसका? 0.24 माइक्रोमीटर हो जाएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, अभी आपने 9th क्वेश्चन किया था। 9th क्वेश्चन में nth फ्रिंज शिफ्ट हो रही थी, यहाँ उसने कहा है कि सिर्फ 1 फ्रिंज विड्थ में शिफ्ट हो रही है। वहां पर आपके पास क्या आया था? t इक्वल टू आया था n लैम्डा म्यू माइनस 1। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन देखिए। ए सिस्टम ऑफ 3 पोलराइजर्स P1, P2, P3 इज सेटअप सच दैट द पास एक्सिस ऑफ P3 इज क्रॉस्ड। मतलब P1 और P3 की एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है विद रेस्पेक्ट टू P1। द पास एक्सिस ऑफ P2 इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60° टू द पास एक्सिस ऑफ P3। P2 और P3 की एक्सिस 60 पर है, तो P1 और P2 की एक्सिस क्या होगी? 30 पर होगी। व्हेन ए बी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंस ऑन P1, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय द 3 पोलराइजर्स ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय द 3 पोलराइजर इज I, द रेशियो ऑफ I0/I इज नियरली। देखिए, आपके पास आपने पढ़ा है मेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि I इक्वल टू I0 cos² φ होता है, या I0 क्या था? इंसिडेंस एनर्जी थी, I क्या थी? ट्रांसमिटेड, और φ क्या था? पोलराइजर और एनालाइजर की एक्सेस के बीच का एंगल।
एक आपने ये भी पढ़ा है, जब पोलराइजर पर अनपोलराइज लाइट इंसिडेंस होगी देन इमर्जेंस लाइट जो होती है, जब पोलराइज जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी अनपोलराइज से हाफ हो जाती है। तो देखिए P1 पर जो लाइट इंसिडेंस हो रही है वो क्या थी, अनपोलराइज थी। तो यहां जो लाइट बाहर आ रही है वो क्या है, पोलराइज है, उसकी इंटेंसिटी I0/2 होगी। अब देखिए P1 और P2 की एक्सेस आपस में क्या है, 30 डिग्री पर है। तो P2 पर जो लाइट इंसिडेंस हो रही है उसकी इंटेंसिटी I0/2 थी, तो यहां से जो बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, I0/2 cos²30। तो कितना हो गया, 3I0/8 हो जाएगी। अब आगे देखिए P2 और P3 जो है इनकी एक्सेस के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो यहां जो लाइट इंसिडेंस हो रही है वो 3I0/8 थी, जो बाहर इमर्ज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 3I0/8 cos²60। तो आपके पास कितना आ गया, 3I0/32 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास I आ गई। आपसे पूछा क्या है, I0/I पूछा है, तो रिजल्ट क्या आ गया, 32/3 आ जाएगा, 10.67 रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 × 10⁻⁶ × 10⁻⁸ सेंटीमीटर फॉल्स नॉर्मली ऑन ए सिंगल स्लिट एंड प्रोड्यूस ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। इट इज फाउंड दैट द सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमा इज एट 60 डिग्री फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। If the first minima is produced at θ1, then θ1 is close to, देखिए nth minima के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न में nth minima के लिए पढ़ते हैं d या b, जो भी उसकी width आप लेते हो, a sin थीटा n equal to n lambda, right? आपको क्या दिया है, उसने दिया है कि सेकेंड मिनिमा के लिए आपके पास एंगल 60 डिग्री है। ओके, तो आपके पास क्या आ गया, n लैम्डा बाय ए इक्वल टू साइन 60। ये आपके पास सेकंड है, 2λ a इक्वल टू √3/2। तो आपके पास लैम्डा बाय ए कितना आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या होगा, a साइन θ1 इक्वल टू लैम्डा, आप लिख सकते हैं साइन θ1 इक्वल टू λ/a, आप लिख सकते हैं साइन θ1 इक्वल टू √3/4 आ जाएगा। ओके, जिसकी वैल्यू 1.732/4.4 3 आ जाएगी। ओके, लगभग 0.5 से थोड़ी सी कम है, इसका रिजल्ट इंडेक्स से देखा जाता है जो लगभग 25.2 डिग्री के आसपास आता है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पोलराइजर एनालाइजर सेट इज एडजस्टेड सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर इज जस्ट 10% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। Assuming that the polarizer analyzer set does not absorb any light, the angle by which the analyzer need to be rotated further to reduce the output intensity to be zero. देखिए आपके पास क्या है, I equal to I0 cos²φ होता है। Okay? आप क्या लिख सकते हैं, I आपको कितना दिया है, 10% ऑफ I0 दिया है, तो I0/10 इक्वल टू I0 cos²φ। आपके पास क्या आ गया, cos²φ इक्वल टू 1/10, तो cos φ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√10 या 10/√10 आ जाएगी। ओके, ये वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेट 0.3 के आसपास आई, जो कि 1/√2 से कम है। 1/√2 क्या है आपके पास, 0.70
7। इसका मतलब ये वैल्यू जो फाई की है वो 45 डिग्री से कम है। इस केस में आप लिख सकते हैं कि फाई की वैल्यू क्या है, लेस देन है किससे, 45 डिग्री। अब आपने इसे थीटा एंगल से इस तरह रोटेट किया कि टोटल एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो 90 इक्वल टू क्या था, थीटा प्लस फाई। ओके, इस केस में आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा, सॉरी आपके पास कॉस फाई की वैल्यू थी 0.3 और 45 डिग्री की होती है 0.707, इससे कम आई है। इसका मतलब फाई की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है, फाई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो आप थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, 90, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई, और फाई 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से कम होगी, और 45 डिग्री से कम आपके पास ए की वैल्यू है तो 18.4 इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.15 मिलीमीटर। इन द एक्सपेरिमेंट ए सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज यूज्ड एंड द रिफ्रैक्टिव पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन kept 1.5 meter away, the separation between the successive bright fringes on the screen is, आपसे दो कर्म दो आपसे सक्सेसिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस पूछता है, तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है। बीटा इक्वल टू क्या होगा, लेमडा डी बाय डी, आपको लेमडा की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू आपको दी है, डी की वैल्यू भी दी है, 589 × 10⁻⁹ इंटू डी आपको दिया है 1.5 मीटर ओवर आपके पास 0.15 × 10⁻³। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास 10 आ गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, ये आ गया 589 × 10⁻⁴ मीटर, -5 मीटर रिजल्ट आ जाएगा। ओके, आपको मिलीमीटर में देखना है तो 5.89 मिलीमीटर हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप से रिलेटेड है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप विद ट्यूब लेंथ 60 सेंटीमीटर इज 5, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। देखिए, आपको पता है इसमें लेंथ क्या होती है, एफ नॉट प्लस एफ ई होती है, और जिसकी वैल्यू आपको दी है 60 सेंटीमीटर। क्लियर, उसके बाद आपको इसकी मैग्नीफाइंग पावर पूछी है, तो मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है आपको, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी आपके पास, मैग्नीफाइंग पावर 5 दी है आपको, इसका रिजल्ट क्या होगा, एफ नॉट बाय एफ ई इक्वल टू 5, तो एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 5 एफ ई हो जाएगी, तो आपके पास क्या हो गया, इस वैल्यू को पुट करेंगे यहां, 6 एफ ई इक्वल टू 60, तो एफ ई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, 4th आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन जो आप देख रहे थे, इसमें क्या दिया है कि ये कोई आपके पास मान लीजिए टेलीस्कोप है। ओके, इस केस में यहां से दो पॉइंट हैं जिनके बीच की सेपरेशन डी है, जो एक्स डिस्टेंस पर है यहां से, राइट, और इसके कारण आपको यहां पैटर्न देखना है, और कुछ इस तरह का पैटर्न आपके पास बन रहा है, इस तरह से कोई मैक्सिमा बन रहा है यहां पर, राइट, ये आपके पास एंगल थीटा दिया है, ये रिजॉल्विंग पावर थीटा आपने पढ़ा है पहले भी, थीटा क्या होता है, 1.22 लैम्डा बाय डी, डी क्या है, डायमीटर। ओके, लेकिन यहां से आप इस थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी बाय एक्स लिख सकते हैं, इसको आप डी मत लिखिए, इसको आप कैपिटल डी ले लीजिए। ओके, ये कैपिटल डी हो जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं d by x इक्वल टू थीटा, तो ये 1.22 लैम्डा x by d आ जाएगा, आपके पास
1.22 इंटू लेमडा कितना है, 55 इंटू 10^-8 इंटू एक्स, एक्स कितना है आपके पास 4 किलोमीटर है, 4 इंटू 10^5 है, तो ये 10^8 ओवर आपके पास d कितना था 5 मीटर, तो ये 5 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास 1.22 इंटू 44 हो गया, तो अप्रॉक्सीमेट 60 के आसपास आ जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 60 मीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर देखिए, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैविंग ए डायमीटर ऑफ 200 सेंटीमीटर इफ इट हैज टू डिटेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर कमिंग फ्रॉम ए स्टार। तो वही सेम रेजोल्यूशन लिमिट, थीटा इक्वल टू क्या है 1.22 लैम्डा बाय डी, आपको वैल्यू दे रखी है, क्या है 1.22 इंटू 500 नैनोमीटर 10^-9 बाय डी, डी आपको कितना दिया है 200 सेंटीमीटर दिया है, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास 0.61 आ जाएगा, ये आपके पास रिजल्ट आ गया 0.305, ये माइनस 2 है सॉरी, इंटू 10^-7, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3.05 था सॉरी, जब आप 5 से मल्टीप्लीकेशन करोगे ये 3.05 इंटू 10^-7 आप लिख सकते हैं, 305 इंटू 10^-9 रेडियन आ जाएगा, आंसर क्या होगा 4th हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 देखिए, 21 क्वेश्चन में ए रे ऑफ लाइट ए ओ, ये रही ए ओ, ओके, इन वैक्यूम इज इंसिडेंस ऑन ए ग्लास स्लैब 60 डिग्री एंगल पर एंड रिफ्रेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री अलॉन्ग ओ बी द ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम ए टू बी। देखिए ये किसी मटेरियल में है, ये वैक्यूम में है, तो ऑप्टिकल पाथ वैक्यूम मीडियम की वैक्यूम में लेंथ देखते हैं हम, वैक्यूम की वैक्यूम में वही रहेगी, मीडियम के लिए आपको मैंने ऑप्टिकल पाथ म्यू एक्स बताया था, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा ए बी, क्या हो जाएगी आपके पास ए ओ हो जाएगी और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी हो जाएगी। आपको म्यू नहीं पता, यहां स्नेल लॉ लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं साइन 60 इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई √3 आ जाएगी। अब यहां से देखें ये आपके पास 60 डिग्री है, ये ए है, तो ये 30 हो गया ना, तो आप लिख सकते हैं ए बाय ए ओ इक्वल टू साइन 30, तो ए ओ कितना हो गया आपके पास 2a आ जाएगा। अब यहां से देखें ये आपको पता है b है राइट, तो ये आपको पता करना है ओ बी, तो ये क्या हो गया b बाय cos 30, तो आप लिख सकते हैं √3 इंटू 2a बाय 2b बाय √3, √3 से √3 कैंसिल, तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा सेकंड आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, इफ वी नीड ए मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ ए ट्यूब ऑफ लेंथ 150 मिलीमीटर एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 5 मिलीमीटर द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो इस केस में डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, द लेंथ ऑफ ट्यूब बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस 1 प्लस डी बाय एफ ई। डी क्या है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो आपके पास 25 होती है, एल आपको गीवन है, एफ नॉट गीवन है, एम पी आपको गीवन है, तो देखिए क्या हो गया मैग्निफिकेशन कितना दिया है 375 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है 150 मिलीमीटर बाय फोकल लेंथ भी 5 मिलीमीटर है, कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस डी बाय, ओके
आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, इसको कैंसिल किया, ये 30 टाइम्स कैंसिल हो गया। ओके, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 टाइम्स और ये 15, 230 और 25 से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आ गया, 25/2 इक्वल टू 1+D/F। आप लिख सकते हैं D/F इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे, 23/2 हो गया। तो आप FE को क्या लिख सकते हैं, FE इक्वल टू 2D/23। तो आप लिख सकते हैं 50/23 सेंटीमीटर आ जाए। कोई भी रिजल्ट सेंटीमीटर में नहीं है, मिलीमीटर में है। तो इसको आप 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 500/23 मिलीमीटर होगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका अप्रॉक्सीमेट, अगर ये 25 होता तो 20 आ जाता, ये उससे थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होगा, 22 मिलीमीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फिर से क्वेश्चन आया। क्या है, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 15 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए स्क्रीन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर यूज्ड, 10 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन द सेम सेक्शन ऑफ द स्क्रीन व्हेन अनदर लाइट ऑफ सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। देखिए, कोई रीजन है, उसके अंदर पहले वाले से N1 फ्रिंजेस देख रहे हैं, दूसरे वाले से N2 फ्रिंजेस देख रहे हैं, उसका सिस्टम, उसका अरेंजमेंट सेम है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं N1 लैम्डा 1 D/D इक्वल टू N2 लैम्डा 2 D/D। तो इसका मतलब N2 इक्वल टू क्या हो गया, N1 लैम्डा 1 बाय N1 कितना है, 15 फ्रिंजेस ऑब्जर्व हुई हैं। कब, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड 500 नैनोमीटर, और जब 10 का यूज करेंगे देन क्या होगा, 750 नैनोमीटर वेवलेंथ हो जाएगी। ओके, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 750 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24, इसमें देखिए आपके पास एंगल ऑफ पोलराइजेशन के लिए अगर बात करेंगे हम यहाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10θp इक्वल टू किस मीडियम से जा रहा है, म्यू से, और किस में जाना है, इसको रिफ्रैक्ट कहाँ हो रहा था, ये 1.5 में जा रहा था। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास म्यू मीडियम है, ये आपके पास 1.5, जब कोई रे इससे रिफ्लेक्ट होगी तो उस केस में आप इस थीटा पी को क्या लिखते हैं, 10θp इक्वल टू क्या लिखोगे, 1.5/μ लिखेंगे, आपके पास क्या आया, 3/2μ हो जाएगा। इस केस में अगर मैं इस ट्रायंगल का यूज करूं, तो इस ट्रायंगल के लिए मेरे पास ये रिजल्ट क्या है, 3, ये 2μ, तो ये कितना आ जाएगा, 9+4μ² आ जाएगा। अब अगर मैं इंसिडेंस सरफेस की बात करूं, यहां से कोई लाइट इंसिडेंस हो रही है, यहां रिफ्रैक्ट हो रही है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल आई है, तो आप क्या लिखते हैं, साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा। आप लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा, यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, 3/√9+4μ². आपको पता है इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी, तो उस केस में आपके पास क्या आया, 3μ इज लेस देन √9+4μ². इस केस में 9μ² इज लेस देन 9+4μ², आपके पास 5μ² इज लेस देन 9, तो μ² की वैल्यू, या म्यू की वैल्यू लेस देन 3/√5 हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, इसके इक्वल हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3/√5 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन,
इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद स्लिट सप्रेशन 0.1 मिलीमीटर वन ऑब्जर्व ए ब्राइट फ्रिंज एट 1/40 रेडियन बाई यूजिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 When the light of wavelength lambda 2 is used, a bright fringe is seen at the same angle in the same setup. Given that the lambda 1 and lambda 2 are in visible region, their values are. देखिए, आपको इसने angular position दी है, क्या दी है? 1/14 दी है. और इस experiment के अंदर उसने दोनों के बीच की separation जो दी है, वो दी है कितनी? 0.1. तो आप यहाँ से path difference क्या लिख सकते हैं? पाथ डिफरेंस इक्वल टू थीटा डी लिख सकते हैं. थीटा डी क्या हो गया आपके पास? 0.1/40 मिलीमीटर हो जाएगा. जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया? 0.1 × 10⁻³ ओवर 40. इसको आप लिख सकते हैं, ये आपके पास 10⁻⁴ हो गया. अगर मैं इसे 100 × 10⁻⁶ या 1000 और यहाँ पर 3 से मैं और लूँ, ये -4 था तो 3 − 7/40 लिख सकता हूँ. ये कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना आया? 25 × 10⁻⁷ मीटर आ गया, जिसे मैं 2500 नैनोमीटर लिख सकता हूँ. ओके, तो इसका मतलब मेरे पास जो पाथ डिफरेंस आया है, यहाँ से पाथ डिफरेंस क्या आ गया? 2500 नैनोमीटर आ जाए. क्लियर? आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पता करनी है. आपको पता है मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है? n1 λ1 = n2 λ2. इसका मतलब आपके पास n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 पर डिपेंड करेगी. 25,000 के अंदर आप किससे डिवाइड करें कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ना मिले? देखिए, n1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2500 / λ1. अगर मैं 400 नैनोमीटर रखता हूं तो 400 रखते ही मेरे पास क्या आया? 2500 / 400, तो 6 point something आया. फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं होगी. तो पॉसिबल सिर्फ क्या होगी? 625 होगी इसमें से. जब आप 2500 / 625 रखोगे तो ये आपके पास कैंसिल हो गया 25 से, तो ये 4 आ जाएगा. इसका मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 625 नैनोमीटर होगी. तो उस केस में लैम्डा 2 कितना हो जाएगा? 500 नैनोमीटर हो जाएगा. ओके, दोनों से जब रिजल्ट निकाल लोगे, n1 और n2 की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए. ओके, तो ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स का सॉल्यूशन था. ओके, थैंक यू.